सत श्री अकाल, मैं नरेंद्र सिंह बराड़ हाजिर हूँ 8वीं जमात के जुलाई में होने वाले टेस्टों के लिए प्रश्न बैंक लेकर। सबसे पहले पहला पाठ टाइपिंग ट्यूटर, रिक्त स्थान भरे। पहला प्रश्न, डैश फॉन्ट का प्रयोग पंजाबी में टाइपिंग के लिए किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है अनमोल लिपि, रावी, जॉय, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न, अनमोल लिपि से टाइप करते समय होम रो की डैश कुंजी को बाएं हाथ की छोटी उंगली से दबाया जाता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं आड़ा, उड़ा, सस्सा, सस्से पैर, बिंदी, तद्दा, दद्दा, टड्डा, डड्डा। इसका सही उत्तर है आड़ा, उड़ा। तीसरा प्रश्न, अनमोल लिपि से टाइप करते समय दूसरी पंक्ति की डैश कुंजी को बाएं हाथ की अनामिका से दबाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं थत्था, तत्ता, कन्ने उत्ते बिंदी, कन्ना, उड़ा खुले मुंह वाला, ईडी, पैर चरारा, रारा, ठट्ठा, टैका। इसका सही उत्तर है कन्ने ऊपर बिंदी, कन्ना। चौथा प्रश्न, अनमोल लिपि से टाइप करते समय तीसरी पंक्ति की डैश कुंजी को दाहिने हाथ की तर्जनी से दबाया जाता है। इसकी ऑप्शन है पब्बा, बब्बा, बिंदी, नन्ना, टिप्पी, मम्मा, मम्मा, टिप्पी, नन्ना, बिंदी। इसका सही उत्तर है मम्मा, टिप्पी, नन्ना, बिंदी। पांचवा प्रश्न, नंबर पैड का इस्तेमाल करने के लिए डैश कुंजी चालू होनी चाहिए। इसकी ऑप्शन है नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रोल लॉक, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नम लॉक। छठा प्रश्न, प्रत्येक कुंजी को दबाने के बाद डैश पर वापस आ जाना चाहिए। इसकी ऑप्शन है चौथी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, होम पंक्ति, दूसरी पंक्ति। इसका सही उत्तर है होम पंक्ति। सातवां प्रश्न, डैश कुंजी का प्रयोग नई लाइन में जाने के लिए किया जाता है। इसकी ऑप्शन है इंटर कुंजी, शिफ्ट कुंजी, स्पेस बार, कैप्स लॉक। इसका सही उत्तर है इंटर कुंजी। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न, कौन सी तकनीक हमें कीबोर्ड को देखे बिना सटीक और शीघ्रता से टाइप करने की अनुमति देती है। इसकी ऑप्शंस हैं टाइपिंग, टच टाइपिंग, शिष्ट से टाइपिंग, बोलकर टाइपिंग करना। इसका सही उत्तर है टच टाइपिंग। दूसरा प्रश्न, न्यूमेरिक कीपैड किस हाथ से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी ऑप्शन है दाहिना हाथ, बाएं हाथ, दोनों हाथों से, किसी भी हाथ से नहीं। इसका सही उत्तर है दाहिना हाथ। तीसरा प्रश्न, दो शब्दों में रिक्त स्थान छोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसकी ऑप्शन है इंटर कुंजी, शिफ्ट कुंजी, स्पेस बार, कैप्स लॉक। इसका सही उत्तर है स्पेस बार। चौथा प्रश्न, शेष कुंजियों तक किस पंक्ति से पहुंचना चाहिए। इसकी ऑप्शन है होम रो, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। इसका सही उत्तर है होम रो। पांचवा प्रश्न, टाइप करते समय कहां नहीं देखना चाहिए। इसकी ऑप्शन है कीबोर्ड की ओर, मॉनिटर की ओर, कॉपी की ओर, किसी की तरफ नहीं। इसका सही उत्तर है कीबोर्ड की ओर। छठा प्रश्न, रोजाना व्यायाम करने से हमारे शरीर की किस से रक्षा होती है। इसकी ऑप्शन है अनावश्यक काम से, थकान से, टाइपिंग से, तनाव से। इसका सही उत्तर है तनाव से। सातवां प्रश्न, टाइप करते समय स्क्रीन हमसे कितने फीट की दूरी पर होनी चाहिए। इसकी ऑप्शन है 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। इसका सही उत्तर है 2 फीट। सही गलत लिखो। पहला प्रश्न, टाइपिंग के लिए कीबोर्ड को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक दाहिने हाथ के लिए और एक बाएं हाथ के लिए। इसका उत्तर है सही। दूसरा प्रश्न, ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम कीबोर्ड को देखते हुए तेजी से टाइपिंग करना सीखते हैं। इसका उत्तर है गलत। तीसरा प्रश्न, अनमोल लिपि फॉन्ट हमें तेजी से टाइप करने में मदद करता है। इसका उत्तर है सही। चौथा प्रश्न,
हम स्पेस बार की को दबाने के लिए छोटी उंगली का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है गलत। पांचवा प्रश्न, अगली लाइन में जाने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है गलत। छठा प्रश्न, टाइप करते समय कलाइयों को ढीला छोड़ देना चाहिए? इसका उत्तर है सही। सातवां प्रश्न, बैकस्पेस का उपयोग कर्सर से अगले वर्ण को हटाने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है सही। दूसरा पाठ, इंटरनेट फंडामेंटल्स, रिक्त स्थान भरे। पहला प्रश्न, कंप्यूटर के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को डैश कहा जाता है? इसकी ऑप्शंस है अर्पानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट, इथरनेट। इसका सही उत्तर है इंटरनेट। दूसरा प्रश्न, www का मतलब है डैश। इसकी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब वर्ल्ड, वाइट वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइट। इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। तीसरा प्रश्न, इंटरनेट पर ऑनलाइन बात करने के लिए डैश का उपयोग किया जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं ई कॉमर्स, चैटिंग, www, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चैटिंग। चौथा प्रश्न, डैश मेल भेजने का सबसे तेज तरीका है? इसकी ऑप्शन है टेलीग्राम, पत्र, ISP, ईमेल। इसका सही उत्तर है ईमेल। पांचवा प्रश्न, डैश एक उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है? इसकी ऑप्शन है मॉडम, टेलीफोन तार, माउस, मोबाइल। इसका सही उत्तर है मॉडम। छठा प्रश्न, समय और दूरी की सीमा से परे व्यापार करने की क्षमता डैश है? इसकी ऑप्शन है चैटिंग, ई कॉमर्स, इंटरनेट, ईमेल। इसका सही उत्तर है ई कॉमर्स। सातवां प्रश्न, डैश मॉडम कंप्यूटर से बाहरी रूप से तारों से जुड़ा होता है? इसकी ऑप्शन है मोबाइल, बाहरी मॉडम, आंतरिक मॉडम, नेटवर्क कार्ड। इसका सही उत्तर है बाहरी मॉडम। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न, मॉडम कितने प्रकार के होते हैं? इसकी ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। इसका सही उत्तर है 2। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर के अंदर कौन सा मॉडम होता है? इसकी ऑप्शन है बाहरी मॉडम, आंतरिक मॉडम, दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आंतरिक मॉडम। तीसरा प्रश्न, इंटरनेट का पुराना नाम क्या है? इसकी ऑप्शन है ईमेल, नेटवर्क, अर्पानेट, टेलीग्राम। इसका सही उत्तर है अर्पानेट। चौथा प्रश्न, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इसकी ऑप्शन है 15 अगस्त 1995, 26 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1990, 26 जनवरी 1990। इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1995। पांचवा प्रश्न, किसी के साथ पाठ संदेश का आदान प्रदान करने का क्या अर्थ है? इसकी ऑप्शन है कला और मनोरंजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, इंटरनेट। इसका सही उत्तर है चैटिंग। छठा प्रश्न, घर में बैठे बैंकिंग सुविधाओं का आनंद कैसे ले सकते हैं? इसकी ऑप्शन है चैटिंग, ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीग्राम। इसका सही उत्तर है इंटरनेट बैंकिंग। सातवां प्रश्न, तेज गति से काम करने के लिए किस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं डायलअप, ब्रॉडबैंड, अर्पानेट, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ब्रॉडबैंड। सही गलत लिखो, ईमेल संचार का बहुत तेज साधन नहीं है? इसका उत्तर है गलत। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम इंटरनेट पर जानकारी पा सकते हैं? इसका उत्तर है सही। तीसरा प्रश्न, इंटरनेट लाखों कंप्यूटरों का वर्ल्ड वाइड वेब है? इसका उत्तर है सही। चौथा प्रश्न, आंतरिक मॉडम कंप्यूटर के अंदर होता है? इसका उत्तर है सही। पांचवा प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक साथ काम करते हैं और एक ही है? इसका उत्तर है गलत। छठा प्रश्न, इंटरनेट और ऑनलाइन समाचारों के माध्यम से हम दुनिया की ताज़ा खबरों से अवगत रह सकते हैं? इसका उत्तर है सही।
सातवां प्रश्न, वेबसाइट पर पुष्टों की संख्या निश्चित होती है? इसका उत्तर है गलत। पूरे नाम दर्ज करें। नंबर एक www वर्ल्ड वाइड वेब, नंबर दो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, नंबर तीन मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, नंबर चार अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, नंबर पाँच ISDN इंटेग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, नंबर छः DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, नंबर सात VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये थे हमारे हिंदी के प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे और पेपरों में आपकी मदद करेंगे। अगले अपडेट के लिए आप ये मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।